हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक का एनएफटी आरटीजीएस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। सो दोस्तों, आपको यदि पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस एनएफटी फॉर्म फिलअप करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आप एनएफटी आरटीजीएस फॉर्म को भरना सीख जाएंगे। सो दोस्तों, आपको करना कि आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा, ध्यान से देखना होगा, तभी आप एनएफटी आरटीजीएस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, नहीं तो आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। एंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में जाने के बाद तो वहां पे बोलना है कि मुझे आरटीजीएस करवाना है, तो आपको येलो फॉर्म दे देगा। दोस्तों, आप येलो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे तो आइए आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना काउंटर, अपना जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखने के लिए बोल रहा था, आपको यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। जो आपका पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांच होगा वो ब्रांच का नाम यहाँ पे आपको लिख देना होगा। नाम लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको डेट लिख देना पड़ेगा जो डेट में आप आरटीजीएस करवाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप कितना रुपया के मतलब आरटीजीएस करवाना चाह रहे हैं। आप जितना रुपया का आरटीजीएस करवाना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, जितना भी आप आरटीजीएस करवाना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं 10,000 आरटीजीएस करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 10,000 एंड यहाँ पे वर्ड में भी लिख दिया 10,000 ओनली। आप जितना भी कराना चाहते हो वो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। इतना करने वाला दोस्तों, यहाँ पे फेवरिंग में यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि आप जिसके पास पैसा भेज रहे हैं, आप जिसके पास रुपया भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। जैसे कि मैं विकी कुमार को भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दिया फेवरिंग में विकी कुमार। आप जिसको भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे उसका बैंक डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे कि बैंक नाम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, उस सब कुछ मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है बैंक, तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिख देना पड़ेगा, जो भी बैंक का नाम हो वो बैंक का नाम यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, बैंक का ब्रांच लिख देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना पड़ेगा। अकाउंट नंबर लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आईएफएससी कोड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आईएफएससी कोड लिख देना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको डेट लिख देना पड़ेगा, डेट ऑफ रिसिप्ट में आपको यहाँ पे जो डेट में आप आरटीजीएस करवाना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों, येला पार्ट रेडी हो गया। अब आना है आपको येला पार्ट में। दोस्तों, अब आना है काउंटर पार्ट में। तो दोस्तों, काउंटर पार्ट में क्या करना होगा, काउंटर पार्ट में आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच लिख देना पड़ेगा। ब्रांच लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एनएफटी व आरटीजीएस जो भी करा रहा है उसमें आपको टिक करा देना होगा। टिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको डेट लिख देना पड़ेगा। इतना करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, जैसे कि आप जितना रुपया का एनएफटी कराना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10,000 लिख दिया एंड यहाँ पे भी मैं लिख दिया 10,000 ओनली। इतना करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे आपका बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर यहाँ पे आप लिखे, जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिखे वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। एंड आपको फेवरिंग का नाम लिख देना पड़ेगा, जिसको आप रुपया भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद दोस्तों, उसका बैंक का नाम एंड ब्रांच यहाँ पे आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड लिखना होगा। आईएफएससी कोड लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना पड़ेगा। जैसे कि मैं 10,000 करा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 10,000 लिख दिया हूँ। 10,000 लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे 10,000 का जितना भी कमीशन होगा वो आपको बैंक में जाकर के पूछ लेना होगा कि 10,000 का कमीशन कितना होता है, वो कमीशन यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 5 रुपया लिख दिया आपको समझाने के लिए, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कमीशन। इतना करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे 10,000 टोटल, यहाँ पे 10,005 होता है, तो यहाँ पे मैं 10,005 लिख दिया हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है प्लीज़ डेबिट द टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट में 10,005 रुपया में लिख दिया, तो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो अकाउंट से आप रुपया कटाना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि आप कैश में मतलब आरटीजीएस करवाना चाहते हो या चेक में आरटीजीएस करवाना चाहते हो। आप यदि चेक में आरटीजीएस करवाना चाहते हो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चेक का नंबर लिख देना होगा। लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देना पड़ेगा। सिग्नेचर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम मांगा जाता है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना पड़ेगा। नाम लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिख देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना पड़ेगा। इतना करने के बाद दोस्तों, आपका फॉर्म पूरा तरफ से रेडी हो गया है। सो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू वीडियो के साथ, कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।